जैसा कि हम जानते हैं, हमारी लगातार न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, उसी क्रम में तीसरा चैप्टर व्यतिकरण ऑप्टिक्स प्रकाशिकी की हमारी यूनिट चल रही है न्यूमेरिकलों की। व्यतिकरण चैप्टर में से काफ़ी आ जाता है, तो उसके न्यूमेरिकल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक न्यूमेरिकल कराया जाएगा। पिछला चैप्टर प्रिज्म हो चुका है, यदि उसकी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलते हैं पहले सवाल की ओर। 3 सेमी तथा 4 सेमी आयाम, आयाम शब्द दिखते ही ए का मान होता है, दो बार है तो पहला ए वन कह दिया जाएगा, ए वन बराबर 3 सेमी, दूसरा ए टू कह दिया जाएगा, ए टू बराबर 4 सेमी। फिर क्या कह रहा है, दो तरंगे 90 डिग्री के कलांतर, कलांतर फाई को कहा जाता है, फाई बराबर 90 डिग्री अध्यारोपित होती हैं, परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए, परिणामी आयाम कैपिटल ए को कहा जाता है, कैपिटल ए हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र जो होता है वो डायरेक्ट सूत्र होता है, बिल्कुल ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1a2 कॉस फाई, जगह पर मान रख दिया जाएगा। अब ए स्क्वायर बराबर, ये सूत्र होता है डायरेक्ट बिल्कुल, ए वन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोई सा निशान नहीं, बीच में गुणा का निशान, ए वन 3 और गुणा ए टू 4 गुणा कॉस फाई का मान है 90 डिग्री। तो ए स्क्वायर बराबर इनका स्क्वायर खोल लिया जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस इनकी गुणा 2 3 6 6 4 24 और गुणा कॉस 90 का मान होता है 0। तो ए स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितने हो गए 25 प्लस 24 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0। इस साइड कर लेते हैं अब, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया हमारा निकल के 25। अब वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल जब वर्गमूल लिया जाएगा तो ए बराबर ये अंडर रूट में आ जाएगा 25, यानी ए बराबर कितना 5। यहाँ पर सेमी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है तो यहाँ भी सेमी लिख दिया जाएगा, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं अब। समान तरंग दैर्ध्य कहा जाता है लैम्डा को, यानी लैम्डा वन बराबर लैम्डा टू बराबर लैम्डा, यानी दोनों जो हैं दो तरंगे हैं ना, दो तरंगे तो दोनों समान तरंग दैर्ध्य लैम्डा को, यानी लैम्डा वन जो है लैम्डा टू के बराबर है, दोनों को हमने लैम्डा मान लिया। तथा समान आयाम, आयाम कहा जाता है स्मॉल ए को, यानी स्मॉल ए वन बराबर स्मॉल ए टू बराबर किसके मान लिया, स्मॉल ए के। बिंदु पर 180 डिग्री कलांतर, कलांतर फाई को कहा जाता है, फाई बराबर 180 डिग्री वहाँ पर परिणामी आयाम क्या होगा, परिणामी आयाम कैपिटल ए को कहा जाता है, सीधा सीधा सूत्र होता है बिल्कुल, ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1a2 कॉस फाई। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, सिर्फ जगह पर, ये तो सूत्र होता है, ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस a2 square प्लस 2a1a2 2a1 की जगह पर a इंटू a2 की जगह पर a cos phi की जगह पर 180 डिग्री। सिर्फ a1 a2 का मान रख दिया गया a, क्योंकि a1 a2 दोनों का मान a है, तो यहाँ पर भी a लिख दिया, 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 तो a square बराबर आ गया, इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, कितना हो जाएगा 2a square प्लस, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगा 2, तो ये ऐसे लिख देंगे और ए की गुणा ए स्क्वायर गुणा कॉस 180 का मान होता है -1, तो ए स्क्वायर बराबर 2a square प्लस माइनस 2a square, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर बराबर 0, यानी ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 0 ही निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक ही आवृत्ति, एक ही आयाम स्मॉल ए की दो तरंगें, यानी आयाम जो है दो तरंगें हैं, दोनों का आयाम स्मॉल ए है, यानी ए वन बराबर ए है और ए टू बराबर भी कितना है ए है, एक साथ पहुंच रही हैं, तरंगों के बीच कितना कलांतर हो, कलांतर कहा जाता है फाई को, यानी फाई का मान हमें ज्ञात करना है। कि परिणामी तरंग का आयाम, पहला वाला पोर्शन, परिणामी तरंग का आयाम कहा जाता है कैपिटल ए को, कैपिटल ए जो हो वो कितना हो 2a हो, परिणामी तरंग का आयाम कह रहा ना, परिणामी तरंग का आयाम कहा जाता है कैपिटल ए को, पहला वाला पोर्शन 2a यानी कैपिटल ए कितना हो 2a हो, सूत्र वही वाला लग जाएगा, कोई अलग से नहीं आएगा, कैपिटल ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1a2 इंटू कॉस फाई, जगह पर मान रख दिए जाएंगे। अब कैपिटल ए कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वन कितना है ए वन है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए टू कितना है ए, यानी ए स्क्वायर प्लस 2a1 की जगह पर ए, कोई सा निशान नहीं है बीच में तो गुणा का निशान लगा देते हैं चलो, और ए टू की जगह पर भी ए गुणा कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई, फाई का मान मुझे ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर 2 2 4 a square बराबर, इन दोनों को जोड़ लिया जाता है हमेशा, ये हो जाएगा 2a square
प्लस इनके गुणा 2a² और cos फाई ऐसे ही लिख देंगे। a और a की गुणा गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, a² या 2ac। अब 2a² को इधर ले जाएंगे, 4a² इधर आकर माइनस के 2a² बराबर कितना बचेगा 2a² इंटू cos फाई, इन्हें घटा लिया जाएगा। 4a² में से 2a² घटा देंगे तो 2a² बचेगा बराबर 2a² इंटू cos फाई। अब फाई का मान याद करना है इसलिए cos फाई को उधर ही रहने देंगे और 2a² उठ के ये नीचे आ जाएगा बटे में, क्योंकि कोई निशान नहीं है, गुणा का निशान है, गुणा करी वाली चीज़ बटे में आ जाती है। इस साइड कर लेते हैं, 2a² बटा 2a² बराबर कितना बचेगा cos फाई, 2a² एकम 2a² cos फाई इस साइड लिख लेते हैं बराबर कितना 1। अब यहाँ पर cos है तो ये देखा जाएगा कौन से cos का मान 1 होता है, ये होता है cos 0 का मान, cos 0 इसकी जगह लिख दिया जाएगा, cos से cos कट गया, फाई बराबर 0 डिग्री आ जाएगा। अब दूसरा वाला पोर्शन में क्या अंडर रूट 2 है, परिणामी तरंग का आयाम अंडर रूट 2 है और यहाँ पर भी हमें कलांतर ज्ञात करना है, सेम प्रोसेस है बिल्कुल, सिर्फ a की जगह पर कितना है अंडर रूट 2a, यही सूत्र लगा दिया जाएगा बिल्कुल सेम। a² बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 इंटू cos फाई, अब जगह पर मान रख दिया जाएगा a की जगह पर, कैपिटल a की जगह पर अब अंडर रूट 2a इसका होल स्क्वायर बराबर a1 की जगह पर a² प्लस a2 की जगह पर a² प्लस 2a1 a2 यानी 2a cos फाई। कोई निशान नहीं बीच में, गुणा का निशान लगाओ मत लगाओ, वो एक ही बात होती है, 2 गुणा a भी लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 2 बचेगा, 2a² बराबर ये जोड़ लिए जाएंगे इन दोनों को 2a² प्लस ये गुणा हो जाएगी 2a² इंटू cos फाई। तो सबसे पहले इन्हें इधर को ले आया जाएगा, 2a² इधर को आकर ये माइनस के 2a² बराबर कितना बचेगा 2a² इंटू cos फाई, ये घटा कट गया, ये 0 बचा, 0 बराबर 2a² इंटू cos फाई। अब इस साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है बस, 0 और नीचे आ जाएगा कितना 2a² बराबर cos फाई। अब 0 को जब भाग करी जाएगी तो 0 ही आ जाएगा, cos फाई में इधर लिख लेता हूँ बराबर 0। अब ये देखा जाएगा कौन से cos का मान होता है, ये होता है cos 90 का मान, 0 जो होता है, cos से cos कट जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह पहले वाले का फाई कलांतर 0 डिग्री और दूसरे वाले का फाई 90 डिग्री, सवाल सेम है दोनों पोर्शन, सिर्फ यहाँ कैपिटल A का मान 2a है, स्मॉल a1 स्मॉल a2 तो a ही है और यहाँ पर अंडर रूट 2a है, बाकी सेम सवाल है। अगले सवाल, तो तरंगे जिनके आयाम 4 मिमी तथा 3 मिमी हैं, आयाम कहा जाता है a को, तो a1 बराबर 4 मिमी और a2 बराबर 3 मिमी। एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रही हैं, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए, परिणामी आयाम कहा जाता है कैपिटल a को, जिन पर कलांतर नंबर 1 0 डिग्री। तो सेम प्रोसेस है बिल्कुल, सूत्र लगा दिया जाएगा, कलांतर किसे कहा जाता है, कलांतर कहा जाता है फाई को, यानी फाई बराबर 0 डिग्री। सूत्र कौन सा, a² बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 इंटू cos फाई, जगह पर मान रख दिया जाएगा, अब जगह पर a² बराबर a1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस a2 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कितना है a1 है 4 गुणा a2 कितना है 3 गुणा cos फाई का मीन से 0 डिग्री। तो a² बराबर कितना हो जाएगा 4 × 16 प्लस 3 × 9 प्लस 2 × 8 = 24 और गुणा cos 0 का मान होता है 1, यानी a² बराबर हो जाएगा 16 × 9 = 25 प्लस 24। तो a² बराबर हमारा निकल के आ जाएगा कितना 49। वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल जब वर्गमूल लेंगे तो a बराबर आ जाएगा निकल के अंडर रूट 49, अंडर रूट से बाहर लाया जाएगा तो 7, और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है वही लिख दिया जाता है, यानी मिमी। दूसरा वाला पोर्शन कितना है पाई, यानी फाई का मान है पाई, पाई मींस होता है 180 डिग्री, पाई कह दें या 180 डिग्री कह दें बात एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में पाई ही कहेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा 180 होता है। सूत्र वही, a² बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 इंटू cos फाई, मान रख देंगे, अब a² बराबर a1 कितना है a1 है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस a2 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a1 4 गुणा a2 3 गुणा cos फाई का मतलब है पाई।
पाई यानी 180 डिग्री। तो ए स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 प्लस 4 2 8 3 24 कॉस 180 का मान -1 होता है। कॉस 180 का मान -1 कितना हो गया फिर, ए स्क्वायर बराबर 16 9 25 प्लस -24। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1। अब इसका वर्गमूल ले लिया जाएगा, वर्गमूल निकल के आ जाएगा ए बराबर 1। तो एक उत्तर हमारा ये देख लिया जाता है कि काय में दिया हुआ है, मिमी में दिया हुआ है तो ये ज़रूर लिख देंगे मिमी। तो ये दो पोर्शन हमारे हो गए, तीसरे पोर्शन की ओर चलते हैं। अब ये पहला वाला पोर्शन मिटा देते हैं। तीसरे पोर्शन में क्या कह रहा है, पाई बटा 3 काय का मान है, ये फाई का मान है पाई बटा 3। तो पाई बटा 3 यानी पाई का मान 180 और बटा 3 ऐसे 3 6 18 है 0 ऐसे यानी कितना हो गया इसका मीन 60 डिग्री हो गया। पाई 180 होता है बटा 3, तो पाई की जगह 180, नीचे 3 है 3, 3 से काट दिया 3 6 18 0 यानी 60 डिग्री। सूत्र वही लगा दिया जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1a2 इंटू कॉस फाई। मान रख देंगे अब ए स्क्वायर बराबर ए वन कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ए टू कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वन 4 इंटू ए टू 3 इंटू कॉस फाई की जगह पर है 60 डिग्री। तो ए स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 प्लस 4 2 8 3 24 गुणा कॉस 60 का मान होता है 1/2, 2 से काट देंगे 2 1 2 2 2 4। तो ए स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने हो गए 27, 16 और 9 25 प्लस 12 1 12। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 37। अब इसका वर्गमूल ले लिया जाएगा, वर्गमूल ए बराबर √37। √37 का मान जानते ही नहीं है तो इसे यहीं लिख देंगे मिमी। तो इस तरह हमने ये आज आयाम वाले सवाल 4 सवाल करे। इसी तरह व्यतिकरण के डेली कल अगली वीडियो में हम जो आई मैक्सिमम आई मिनिमम यानी अधिकतम न्यूनतम तीव्रता वाले सवाल होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसी तरह आप लोग बने रहिए, यदि पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी हो उन्हें भी कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।